अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर डीडी फ्रीडिश की जो हमारे बीच 48वीं ई ऑक्शन रखी गई थी, जिसमें हमारे लिए कहा गया था कि एमपी इजी टू स्लॉट्स को लेकर नए चैनल्स भाग लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे बीच खबर आई थी वो यही है कि इंडिया न्यूज़ चैनल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और स्लॉट जीत लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि हमने देखा कि आज पहली तारीख आ चुकी है, 1 अक्टूबर के दिन हमारे बीच उस नए चैनल को लॉन्च होना था जिसने यहाँ पर हमारे बीच पार्टिसिपेट करके स्लॉट जीत लिया था। लेकिन हैरानगी की बात यही लगी कि अभी तक जो चैनल है वो हमारे बीच शुरू नहीं हुआ है, दोनों ही स्लॉट्स हमारे बीच अभी भी खाली बने हुए हैं। अब आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आप भी डीडी फ्री डिश के ही ग्राहक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, उसके कई कारण हमारे भी सामने आ सकते हैं। वैसे तो देखिए, जो भी चैनल यहाँ पर स्लॉट जीत लेता है वो डीडी फ्री डिश की ओर से जरूर लॉन्च किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से उस चैनल को लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडियन न्यूज़ जो चैनल है वो अभी भी हमारे बीच एमपी इजी 4 के स्लॉट में बना हुआ है, लेकिन अगर हम एमपी इजी 2 की बात करें तो उसने वहां पर अभी हाल ही में स्लॉट जीत भी लिया है। लेकिन हो सकता है कि एन मौके पर इंडियन न्यूज़ चैनल ने वहां से फिर ड्रॉ कर लिया अपना स्लॉट, यानी जो अपने ऑक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, जो स्लॉट जीत भी लिया था, तो एन मौके पर उन्होंने विड्रॉल कर लिया जिसकी वजह से वो चैनल लॉन्च नहीं हो पाया। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले भी हमारे बीच जब ई ऑक्शन हुई थी तो उस दौरान एमपी इजी 2 स्लॉट्स में एक नया चैनल अब्जी दुखदान के नाम से पार्टिसिपेट हुआ था, डीडी फ्रीडिश को उसने स्लॉट भी जीत लिया था। लेकिन जब बाकी चैनल्स लॉन्च हो गए तो वही चैनल एक ऐसा था जो हमारे बीच लॉन्च नहीं हुआ था, तो उसका कारण भी यही था कि उस चैनल ने एन मौके पर जो है अपनी पेमेंट वापस मांग ली थी और जो एग्रीमेंट था डीडी फ्रीडिश के साथ जो कि स्लॉट जीता था वो विड्रॉ कर लिया था, कैंसिल कर लिया था। तो हो सकता है कि इंडिया न्यूज़ की ओर से भी ऐसा कुछ किया गया हो जिसकी वजह से चैनल अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। वैसे देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंडियन न्यूज चैनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे भी हमारे बीच न्यूज चैनल्स की भरमार लगी हुई है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से प्रसार भारती को ई ऑक्शन करनी चाहिए और उस दौरान एक बार फिर से इन दोनों स्लॉट्स को लेकर ई ऑक्शन करनी चाहिए ताकि बाकी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सके। वैसे तो एंटरटेन रंगीला अगर लॉन्च हो जाता तो भी बेहतर था अगर इंडियन न्यूज को कंपैरिजन करके देखें, लेकिन फिर भी कई ऑडियंस यहाँ पर परेशान रहती है कि भोजपुरी चैनल्स की भरमार लगी हुई है और डीडी फ्री डिश ज़्यादातर जो चैनल्स है वो न्यूज़ के या फिर भोजपुरी ही लॉन्च करता है। तो देखिए, वैसे डीडी फ्री डिश की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में होता है, जो इच्छुक होता है वो यहाँ पर स्लॉट जीत लेता है। बाकी इंडिया न्यूज़ को लेकर आपको मैंने कन्फर्म कर ही दिया है कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि अभी तक हमारे बीच लॉन्च एमपी इजी 2 के सेट ऑफ बॉक्स में नहीं हुआ है। बाकी आप क्या चाहते हैं कि इस चैनल को एमपी इजी 2 के सेट ऑफ बॉक्स में लॉन्च हो जाना चाहिए या फिर इसको लॉन्च नहीं होना चाहिए, प्रसार भारती को एक बार फिर से एमपी इजी 2 स्लॉट्स को लेकर ई ऑक्शन करनी चाहिए? आपके जो सवाल है वो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, उसके लिए नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।